आईएमई वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है उसके थ्रू इसमें डाल दीजिए, आपका जो डेटा है वो रजिस्टर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, और इसके बाद जो आपके फोन चोरी होंगे तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मिल जाता है वो फोन तो उसको अनब्लॉक कर सकते हो। मतलब ये है कि माननीय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी हैं उनके द्वारा जो लॉन्च किया गया वेबसाइट, तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार आपकी मदद करने वाली है आपके मोबाइल को फाइंड करने में, और साथ ही साथ आपके मोबाइल का इस्तेमाल कोई ना कर सके इसके लिए वो जरूर सहयोग करेगी आपका। तो आपको क्या प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप नो योर मोबाइल सबसे पहले ये कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो आपका मोबाइल फोन है उसके अंदर आप *#06# जब डालते हैं तो आपका IMEI नंबर पॉपअप होता है, उसको आप SMS कर सकते हैं 14422 के ऊपर इस तरीके से कि YM कैपिटल में लिख के और 15 डिजिट का IMEI नंबर, और उसको जब भेजिएगा तो ये बता देगा कि आपका जो नंबर है IMEI का वो ब्लैकलिस्टेड है, डुप्लीकेट है या ऑलरेडी इन यूज है। तीनों चीजें आपको मालूम चल जाएगा, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं KYN ऐप को, साथ ही साथ आप वेब पोर्टल है उसके ऊपर भी अपने इस नंबर को चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यहाँ पे वेरिफिकेशन आप अपने नंबर का कर सकते हैं OTP लेके। अब बात यह है कि IMEI नंबर जब आपने वेरीफाई कर लिया तो आपका मोबाइल रजिस्टर हो गया इसके ऊपर। इसके बाद आने वाले समय के अंदर आपका मोबाइल हो सकता है गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कोई भी चीज आती है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आपके पास आपके मोबाइल का इनवॉइस होना चाहिए। तो इनवॉइस जरूर रखिएगा ध्यान से आने वाले टाइम के अंदर, आगे मैं बताता हूँ क्यों इनवॉइस जरूरत है। तो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब अगर आपका मोबाइल चोरी या फिर लॉस्ट हो गया है तो आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कराना है, और साथ ही साथ आपको IMEI नंबर को ब्लॉक करना है पोर्टल के जरिए। उसके साथ साथ आप जो है मोबाइल प्रोवाइडर जो टेलीकॉम का है उसके आउटलेट पे या फिर आप स्टेट पुलिस की मदद लेके अपना IMEI नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन साइट पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो आप तीन चीजें देख रहे हैं मैं आपको तीनों में डिटेल में बताता हूँ क्या क्या है इन चीज के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं पहले के बारे में, तो पहले में जो लिखा हुआ रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टोर मोबाइल, इसके अंदर जो मैंडेटरी चीजें हैं वो स्टार मार्क दी हुई है। तो स्टार में जो मोबाइल नंबर यहाँ डालते हैं आप, तो आपका मोबाइल जो नंबर आप उसमें यूज कर रहे थे या फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर है, साथ ही साथ IMEI वन नंबर जो कि आपका फोन का नंबर था। IMEI वन मतलब कि दो नंबर आजकल IMEI के होते हैं क्योंकि दो सिम आपके पास होता है, तो दोनों IMEI नंबर डाल देने अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तब भी मैंडेटरी पार्ट नहीं है, आप मोबाइल नंबर डाल के भी काम चला सकते हो। साथ ही साथ आपको डिवाइस ब्रांड सिलेक्ट करने हैं, जो कि हर एक ब्रांड जो कि आप सोच सकते हो हर एक ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर आपको डिवाइस का ब्रांड देना है, ब्रांड में आप जितने भी ब्रांड सोच सकते हो, सैमसंग सैमसंग अवेलेबल होगा, सैमसंग के साथ साथ अगर शाओमी की बात करते हैं तो शाओमी भी होगा, रियलमी की देखते हैं चेक करके कि रियलमी है या नहीं है, रियलमी भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो इन सारे मोबाइल नंबर को ब्रांड में डालने के बाद मॉडल आपको सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, आप कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस अगर आपके पास है तो आप इस पे अपलोड कर दीजिए, लेकिन इनवॉइस आपके पास होगा तो बेहतर है, इसलिए इनवॉइस को संभाल के रखिए। साथ ही साथ अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना है कि जो भी आपका लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे आपने लॉस्ट किया मोबाइल को और क्या क्या चीजें, स्टेशन पुलिस स्टेशन क्या है, नंबर क्या है, सब देना पड़ेगा। साथ ही साथ वो जो कंप्लेंट है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ओनर नेम, एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ डालनी पड़ेगी, कोई भी एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी, और उसी का नंबर यहाँ पे आपको देना है। देने के बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और उसके बाद OTP मोबाइल नंबर पर जो आएगा उसको देके बाद आप सबमिट कर सकते हो फॉर्म को। इसको फॉर्म को जब सबमिट करते हो तो आपका जो फोन का IMEI नंबर है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने का फायदा यह है कि उस फोन से कोई भी नेटवर्क का सिम नहीं काम करेगा। CEIR में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ऐसे टाई अप किया हुआ है सारी कंपनीज के साथ, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ, कि इसके अंदर इसका नंबर पड़ गया ब्लॉक स्टोलन मोबाइल के अंदर, तो उस फोन के अंदर उस IMEI के ऊपर कोई भी नंबर काम नहीं करेगा। अगर आप उस मोबाइल का IMEI नंबर चेंज करा लेते हो, ऐसा कुछ अगर धंधा है जो कि एग्जिस्ट करता होगा अगर, तभी चल सकता है। अदरवाइज अगर IMEI नंबर सेम रख के आप अगर चाहते हो कि मोबाइल चला लेना, तो बिल्कुल नहीं चला सकते हो। तो ये ब्लॉक कैसे करना है इसके बारे में प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अनब्लॉक करने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट आईडी जो आपका जनरेट होगा उसको यहाँ डालना है, मोबाइल नंबर जो है आपका उसको डालना है, और OTP आपको ले लेना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल नंबर कौन सा इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए इन्होंने पहले से लिख रखा है सिम डालना है, वो नंबर पुराने वाला ही होना चाहिए जो कि आपका पुराने नंबर जो गुम हो गया फोन के साथ वही वाला। उसके लिए आपको एक रिपोर्ट फाइल करनी है पुलिस के अंदर, जो करना ही करना है।
उसके बाद डुप्लीकेट सिम कार्ड आपको जो भी आपका गुम है, हुआ है वो ले लेना है। लेने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट है उसको और आईएमईए के साथ आपको जो है अपलोड करना है अपने वेबसाइट पे, और अपलोड करने के बाद आईएमईए नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा। फ्यूचर के लिए आपको जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उसका इस्तेमाल करके अनब्लॉक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि स्टेटस कैसे चेक करना है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, एप्लीकेशन में जाके आईएमईआई वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है उसके थ्रू उसमें डाल दीजिए, आपका जो डेटा है वो रजिस्टर हो जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर कोई भी समस्या आती है तो यहाँ से आप आराम से रिकवर कर पाओगे और आपका मोबाइल भी ब्लॉक हो जाएगा, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, लेकिन ये बेस्ट तरीका है सरकार का कि आपके मोबाइल को वो बचा सके या फिर गलत हाथों में जाने से बचा सके। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर इसको और विस्तार में आप जानना चाहते हैं तो मैं आने वाले टाइम के अंदर एक वीडियो और बना दूंगा। अगर 50 लोग इसके बारे में कमेंट करके बोलते हैं अच्छे तरीके से और बता दो, तो दोस्तों चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर एक बार मैं कोशिश करता हूँ आप लोग तक लेके आऊँ, और ये भी ट्राई करता हूँ कि आप लोग का उससे फायदा हो, कुछ ना कुछ आपको जानकारी हो। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जितने ज्यादा लोगों के पास जाए उतना ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।